सो हे गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग फर्स्ट क्लास मस्त होंगे। आज की राइड बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एडवेंचर बाइक से, SD एडवेंचर, जो मैंने अभी अभी लिए। अभी से कोई लंबी राइड नहीं की, तो शॉर्ट राइड में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं कि हम लंबी राइड खींच सकें और लंबा घूम सकें बेसिकली। तो इसीलिए निकले हैं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करेंगे। आज का प्लान जो है वो ये है कि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करूँगा मैं, और इसको ऑफ ट्रैक में चेक करूँगा कि काम कितना अच्छा करती है, कितना अच्छा परफॉर्म करती है। थोड़ा सा बालू में ले जाऊँगा और घूमूंगा फिरूंगा। निकल लिए हैं सुबह सुबह, मैं हूँ साथ में आयुष है, दोनों मिलके करेंगे। क्योंकि एक्चुअली कहीं फंस गई तो चाहिए मुझे कोई ना कोई जो मेरी हेल्प कर सके बाइक को निकालने में। तो इसीलिए निकले, बैराज पहुँच गए हैं। आज बैराज के आगे एक ऑफ ट्रैक मैंने ढूंढा है, एक क्या दो तीन ऑफ ट्रैक ढूंढे हैं, तो उस पर ही निकलेंगे, उसी पर मज़े करेंगे। बाइक बेसिकली मस्त चलती है, आप अगर इसको 90-100 तक भी 120 पे भी चलाओगे तो भी मस्त रिस्पॉन्स करती है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। और मतलब मज़ा आता है आपको चलाने में इसको, इसमें कोई दो राय नहीं। बढ़िया डिजिटल कंसोल है, बड़ा कंसोल है, तो आप प्रॉपरली सब कुछ देख सकते हो। सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, सीट्स बहुत अच्छी हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग तो पहुँच गए हैं गंगा बैराज। जय गंगा मैया की। देख रहे हैं रास्ते भर यहाँ पर किसी ने गिट्टियाँ गिरा दी हैं, और यही गिट्टियाँ स्लिप होने का रीज़न होती हैं। देख के चलिए, कल थी आज नहीं है, या आज हैं कल नहीं होंगी, तो ये कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए। सुबह का टाइम है, आप समझ रहे हो कितना मस्त सूरज निकल रहा है, सभी सनराइज हो रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। मस्त ठंडी ठंडी हवा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा लगता है जाना, और मतलब आई लव दिस वाइब, मज़ा आ जाती है। मैंने थोड़ा सा बाइक में अपग्रेड भी कराया है, अभी मैंने हैंड गार्ड्स लगवाए हैं बार्क बस्टर के, जो कि ओरिजिनल बार्क बस्टर नहीं है, लोकल वाले हैं, बट हाँ मजबूत हैं। मैंने बेसिकली इसमें जो रॉड है वो आयरन की पड़ी हुई है, नॉर्मल में स्टील की आती है, एल्युमिनियम की आती है, मेरे में आयरन या स्टील की होगी, जो भी है स्टील जैसी लग रही है, बट मजबूत है, डिफरेंस है। थोड़ा सा इधर से ही राइट होते हैं, देखते हैं, चलते हैं, मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। एक सीक्रेट जगह जहाँ इससे पहले हम लोग गए थे, हम और जान भाई, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ मिजान और चिराग पहुँच गए वहीं पर। और ये क्या नीचे पड़ा हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। बाइक देखिए कितनी मस्त लग रही है, यहाँ से गंगा बैराज कितना शानदार लग रहा है देखने में। शांति है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं हूँ, मेरी तन्हाई है। ये देखिए, ये गंदगी फैलाने वाले लोग दवाइयाँ यहाँ डाल जाते हैं, ये डंप की गई हैं दवाइयाँ बेसिकली, मुझे गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्टॉक लग रहा है, जलाई भी गई हैं बेसिकली, इनको जलाया गया है। काफ़ी सारी दवाइयाँ जो एक्सपायर हो जाती हैं, होता है ना अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं देते हैं लोग आप लोगों को, और इनको फेंक इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, बाद में क्या होता है जब एक्सपायर हो जाती हैं तो फेंक दी जाती हैं। और किसी गरीब को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को समय से आप अगर ये दवाइयाँ बाँट दें, ना कि बुखार और जुकाम की दवाइयाँ भी आप बाहर मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मैं इनको कभी भी सही नहीं ठहराता, और आप बाद में इतनी दवाइयाँ एक साथ फेंकी जाती हैं, मतलब आप अंदाज लगा सकते हो सरकार का कितना रुपया डंप होता है। और ये बाद में बोल दिया गया होगा, भाई देखो सरकार फेंकने के लिए नहीं बोली होगी, सीधी सी बात है, इन्होंने बोल दिया होगा, सब बांट दिए लोगों में, और सारी देखो कितनी दवाइयाँ पड़ी हैं, सब काफ़ी सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, और इनमें आग लगाई गई है और ये बंद हो गई। बाद में पानी के साथ ये दवाइयाँ बहेंगी, जब पानी बरसात होगी, बारिश का मौसम आएगा, गंगा जी का फ्लो बढ़ेगा, तो ये सब बह जाएंगी और ये सब पानी में मिल जाएंगी। अब आप सोचिए इतनी ख़तरनाक दवाइयाँ पानी में मिलेंगी, पानी में कितना सारा ये केमिकल्स मिलेंगे, कितने जीव जंतु मरेंगे इनको खाने पीने के बाद। सरकार प्लीज़ ध्यान दे, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय इसको देख रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसी कार्रवाई करे कि ऐसे काम ना हो। लगभग मुझे सरकारी दवाइयाँ लग रही हैं, अगर आप लोगों को जानना हो कहाँ पर जगह है तो मैं बता दूँगा, बिल्कुल आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। प्लस प्लीज़ प्लीज़ इस पे ध्यान दें कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए। ये देख रहे हैं आप कितना सारा दवा का स्टॉक है, लाखों की दवाइयां हैं, और सब सरकार का पैसा, मतलब हम ही लोगों का तो पैसा है ये जो बर्बाद किया जा रहा है। और ये देखिए नीचे गंगा जी तक गई हैं, कुछ पानी के अंदर गई होंगी, कुछ जाएंगी। चलिए निकल लिए वहाँ से, आ गए हम लोग थोड़ा सा बाहर, और बालू में बाइक को लेके आए, और देखिए बाइक फंस गई है, बिना स्टैंड के बाइक खड़ी हुई है, स्टैंड ऊपर है, और इतनी भारी बाइक आवाज़ ना लगा सकते हो, बालू में गड़ गई है बेसिकली। इसका जो पिछला टायर है वो ऑफ रोड टायर है, और वो इसलिए वो फंस के चलता है, तो बालू में फंस गया है और खड़ी हो गई है बाइक। मैंने थोड़ा सा बेसिकली क्या किया, बाइक में
थोड़ा सा स्टंट करने के मज़े में लिए में ऐसा हुआ है। तो कोई नहीं, निकालते हैं, मिलके निकालते हैं, निकल जाएगी। बाहर आ गए, निकाल ली बाइक हमने अपनी, और कुछ फ़ोटो वोटो शूट किया जाए। मस्त लग रही है बाइक, है ना। एक लुक वहाँ से था बाइक का वैराज के साथ, एक लुक यहाँ से है बाइक का वैराज के साथ। भाई लोग पीछे नहा रहे हैं और सोचते हैं निकला जाए, बहुत टाइम हो गया इधर मौज मस्ती करते, फ़ोटो शूट हो गया, ऑफ रोड हो गया, कुछ आगे के ट्रैक्स पकड़ते हैं, आगे मज़ा करते हैं, आगे इंजॉय करते हैं जो करने आए थे। बेसिकली आज हम करने आए थे इसकी ऑफ रोड में टेस्टिंग, और वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही काम है। बड़ा मुश्किल है निकालना, थोड़ा सा डर लग रहा है, बालों में फंस फंस के चल रही है बाइक। और ये देखिए बच गया, आराम आराम से पैर लगा के मैं चल रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग नीचे, मेरा ध्यान पूरा नीचे है, सामने बिन देख भी नहीं रहा, बस नीचे देख रहा हूँ कि क्योंकि दोनों तरफ बेसिकली ट्रैक्टर निकल रहा है, तो ट्रैक्टर के टायर ने बालू को गाड़ दिया है, तो दबी हुई बालू है और मैं बीच के हिस्से चल रहा हूँ। और अगर मैं किनारे चलूँगा तो पक्का बाइक फंसेगी, बीच वाले हिस्से में भी दिक्कत ये हो रही कि मेरे पैर जो है, अगर बाइक डिसबैलेंस हो रही है तो पैर नीचे नहीं लग रहे। अब चढ़ाता हूँ ऊपर, थोड़ी सी चढ़ाई है, आराम से ऊपर चढ़ गई। मतलब बेसिकली बाइक में अच्छा टॉर्क है, अच्छा पिकअप है, तो चढ़ तो आराम से जाती है, बट दिक्कत कहाँ पर आती है, जब बालू में टायर फंसता है, तो टायर फंसता ही चला जाता है, निकलता नहीं है। बैठो यार आयुष, तो चलते हैं अब एक और ट्रैक पे चलते हैं। आ तो जाए आयुष, अच्छा अभी आ रहा है, वो देखिए आ रहा है आयुष टहलता हुआ कैमरा वैमरा लेके। अब यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे एक और ऑफ ट्रैक पे, थोड़ा सा और अच्छा ऑफ ट्रैक है, वो बहुत अच्छा ऑफ ट्रैक है, मस्त व्यूज़, मस्त सीनरी है वहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में देखा है सीनरी, वही सीनरियाँ जो हम लोग अपने आर्ट के आर्ट शीट पे बनाया करते थे, बस वही सीनरियाँ हैं। बढ़िया तालाब का लैंडस्केप है, कैंप लगा हुआ है, आप वहाँ पर बढ़िया कैंपिंग कर सकते हो। तो दिखाते हैं, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, ये ट्रांस गंगा सिटी के पास पड़ता है राइट साइड में। देख रहे हैं रास्ता कितना ख़राब है, कितना ख़राब है, कितना ख़राब है। अब भी वो जो सामने रास्ता दिख रहा है वहाँ चलूँगे हम लोग बाद में, पहले राइट चलते हैं, सीधे बाद में चलेंगे, पहले राइट चल के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लें। अभी मुझे डर लग रहा है कि नीचे वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल ही खतरनाक है, बिल्कुल ही खतरनाक है, मैं गिरना नहीं चाह रहा। पहले थोड़ा सा मजबूती और कम्फर्ट अपने आप को पालूँ, और सामने जो कैंप लगा है कैंप साइड तक चलते हैं, पहले तो कैंप के मज़े लेते हैं। बढ़िया, पीछे एक तालाब भी है, वो तालाब बेसिकली क्या, गंगा जी का पार्ट है। गंगा जी पहले इधर से बहती थी, अब उधर से बह रही हैं जहाँ पे हम लोग पहले गए हुए थे, तो अभी तक वहाँ पर इधर पानी आ जाता है अक्सर। अरे बहुत मस्त रास्ता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है, सच बताएं तो बहुत मज़ा आ रही है, फ़न वाला सीन है। पीछे कैंप के पीछे लगाते हैं बाइक अपना, बढ़िया मस्ती से कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं, और फिर निकलते हैं यहाँ से। और क्या करने, हम क्या आए, यही तो मस्ती करने आए, टाइम पास करने आए। देख रहे हैं यहाँ सीन, इतने मस्त नज़ारे आपको कहाँ मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, ये सुकून कहीं नहीं मिलता, शहर के अंदर तो नहीं मिलता, ये तो सीधी सी बात है। तो यही सुकून ढूंढने यहाँ आए हुए हैं। रात में बेसिकली मच्छर बहुत लगते होंगे यहाँ पर। छोटा सा ब्रिज जो हमें पार कराएगा, ये टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है, बेसिकली जो पोल्स होते हैं ना, पुलिया पुलिया वाले पोल्स डाल के, ताकि पानी इधर से उधर, उधर से इधर निकलता रहे। रास्ते बड़े मुश्किल हैं यहाँ से उतरने के या करने के, आसान तो नहीं है। और जब भी पानी भरता है या बरसता है कायदे से, तो ये पानी ऊपर आ जाता है इसके ऊपर से, तो ये रास्ता बंद हो जाता है। अभी चल रहा है तो ठीक है, इंजॉय करो, चिल करो, मज़े करो, बट जैसे ही पानी भरेगा, बरसात होगी, तो ये पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी इसके ऊपर आ जाएगा, कोई परमानेंट रास्ता नहीं। इतने ऊंचे ऊंचे पोल्स लगे हुए हैं कि सोचिए मेरी एडवेंचर बाइक भी नीचे से टकराने का खतरा है, मैं पैर लगा के आगे बढ़ रहा हूँ। वास्तव में अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब मज़े आ रहे हैं, एक्चुअली एडवेंचर के मज़े आज मैं ले रहा हूँ, वास्तव में फन गाइस। आज उसको जाने देता हूँ, यहाँ तो भरोसा नहीं मगरमच्छ भी को, जो मगरमच्छ अभी कटरी में पाया गया, परसों से पेपर निकला था आपने कहा, वो सब ऐसी जगह पाए जाते हैं, और बहुत मतलब इतना ये भी नहीं है, आप सोचो फन हो, खतरा भी है यहाँ पर, रात में तो बहुत खतरा है, दिन में तो तब भी ठीक है, दिख रहा है सब कुछ दूर दूर तक, लेकिन कोशिश करिए आप ऐसी जगह पर अकेले मत आइए, खतरा हो सकता है, और छोटे हो तो बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मत ट्राई करिए ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा बालू है, बाइक धस रही है, पिछला पहिया तो बहुत धस रहा है, वेट भी ज़्यादा है ना बाइक में, तो इस कारण भी रीज़न होता है। दूसरा टायर भी मैंने बताया ऑफ रोडिंग टायर है, तो फंस के चल रहा है।
थोड़ा आगे चल के रुकते हैं, खड़े होते हैं, पानी यानी पीते हैं, फिर वापसी करेंगे उसी रास्ते से। अभी बेसिकली मैं नीचे उतर चुका हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर बताऊँगा आप लोगों को क्या मज़े आए और कैसे किया। अब मैं वापस जा रहा हूँ उसी रास्ते पे जो मैंने ऊपर से नीचे आपको दिखाया था, मैं कि मैं बाद में जाऊँगा। अभी देखिएगा कितना ख़तरनाक है और कितना मुश्किल ट्रैक है, वो थोड़ा सा डरावना है। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ कुछ ऐसा। और पैशन की बात ना करिए, ये कहीं जा सकती है, पैशन और स्प्लेंडर, ये दो बाइक ऐसी हैं जो इंडिया की बाइक कहीं भी जा सकती है। ये हर जगह के लिए, ऑफ ट्रेन, ऑन ट्रेन, सब के लिए बनाई गई है। ट्रैक पे भी दौड़ सकती है, मैं आपको बताऊँ तो फार्मूला ट्रैक पे बेसिकली। अभी मेरी बाइक पे दो लोग बैठे हुए, तो थोड़ा सा शॉकर दब के चल रहा है और मैंने इसको थोड़ा सा नीचा भी कराया है इसीलिए। अब आप देख रहे हैं कितना सामने ऊंचा है, और ऊंचे के साथ साथ मिट्टी भरा और काफ़ी बालुई मिट्टी है जो स्किड करते हैं टायर्स। तो ट्राई करता हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, जय श्री राम, हो जाए हो जाए, गिरूँ ना, कपड़े गंदे ना हो, बेसिकली ड्रेस गंदी ना हो, मेरी जो राइडिंग ड्रेस है मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता। प्रिपेयर किया, चलते हैं, जय श्री राम। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, थोड़ी सी लहर रही है, बट बट ठीक ठीक है ठीक है। ओहो, एक बार तो चढ़ गई है, अब मैं ऊपर ही जाकर रुकूंगा, बीच में तो नहीं रुकने वाला, जूते बहुत गंदे हो जाएंगे अगर रुक गया तो। और मैं पहुंच गया, देख रहे हैं आप कितना ख़तरनाक रास्ता था, कितना ख़तरनाक ऑफ रोड था, मज़ा आ गई, सच बता रहा हूँ गाइज। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लव यू गाइज़।